क्या यार, क्यों करता है ये ऐसे मुसीबत? क्या करा तुमने छोटे डॉन? हैं, क्या हरकत की है तुमने? तुम्हारे को ना पीटना चाहिए, तुम पिटोगे किसी दिन मेरे से इसी हरकत पे, और तुम भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। यार मुझे इन पे पता है क्यों दोस्तों गुस्सा आ रहा है। वजह यह है कि आज सुबह सुबह ना मैं गया था काम से पढ़ाई के सिलसिले में, तो बाकी खैर दोस्तों, और अभी आया हूँ वहाँ से फ्रेश व्रेश होके, तो मुझे भाई ने बताया कि मैंने इनकी भाई साफ़ सफाई कर दी है। आज मैं थोड़ा दोस्तों बिजी था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे और भी लेट हो सकता था, पर शुक्र है मैं टाइम पे फारिग हो गया। अभी कोई 4:30 हो रहे हैं, तो भाई ने मुझे बताया कि बेटा मैंने सफाई भी कर दी ऊपर की, अच्छा भाई ने सारी की सारी दिख रही है। ये तो इन्होंने खैर अभी गंद करा है, बाकी इन्होंने शायद पानी वानी सब डाला, बता रहे थे कि मैंने पूरा साफ़ कर दिया, सेटअप मेरा बहुत अच्छा है यार, मेरी हेल्प हो गई। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब मैं छत पे आया था तो इन्होंने अपना एक अंडा जो है ना तोड़ा हुआ था गेट के पास इधर कहीं, तो वो अंडा इन्होंने साफ वाफ कर दिया, भाई ने खैर पानी आने डाला तो यार इस वजह से मुझे इन पे खैर चढ़ी है। देख रहे हो, इन्होंने अंडा तोड़ दिया यार अपना। खैर से दोस्तों उनकी भी कोई शायद गलती नहीं है यार, क्योंकि हमने इनकी जगह गलत चेंज कर दी है यार, इस पिंजरे में ना ये अंडा तोड़ते रहेंगे, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनका वापसी पिंजरा चेंज करना चाहिए और इनको ना उधर डाल देना चाहिए वापसी इनकी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे इनके हमारे पास अंडे आ रहे थे सही। तो सबसे पहले मैं अभी यही काम करते हैं कि इनके जो अंडे बोलना, इनकी जो जगह है ना वो शिफ्ट कर देते हैं, उनको यहाँ ले आते हैं, इनको वहाँ कर देते हैं। तो यार गलवा मादी उसके बच्चे को हमने दोस्तों यहाँ शिफ्ट कर दिया है, और ये दोनों जो हैं ये खुले हुए हैं। ये लो भाई आ जाओ, इन दोनों को ही खोल दिया मैंने, बोला इन्हें दाना डाल दूँ, जल्दी जल्दी खा लो। खैर से यार ये देखो, ये भी यहीं पड़ा रह गया। आज जो है ना भाई ने अच्छे खासे काम निपटा दिए मेरे यार, उन्होंने बोला था कि मैं आटा भी इनको खिलाया, पर बेचारे ये रख के यहीं भूल गए, और अगर मेरी नज़र नहीं पड़ती अभी तो ये आटा ख़राब हो जाता, देखें यहाँ रख के वो बेचारे भूल के चले गए। खैर से यार एक चीज़ और बताता चलूँ कि आज जो है ना दोस्तों हमारे पास एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ आया है। सरप्राइज़ क्या, वो एक तरीके से मेहमान आया हमारे घर पर, क्योंकि किसी और की चीज़ है वो वापसी चली जाएगी। तो खैर से भाई ने बोला है कि तुम सिर्फ जाके देखो, इतनी प्यारी चीज़ है, तुम बोलोगे कि बस क्या, और बताया नहीं उन्होंने क्या है, देखते हैं यार। अब मुझे बोल रहे थे किसी एक पिंजरे में, और मेरा जो शक है ना मैंने पक्का पकड़ लिया, इसी वाले पिंजरे में किसी में एक है, क्योंकि यार ये इन्होंने ढका हुआ है, वरना मैं खोल के जाता हूँ तो उन्होंने इसी वजह से ढका हुआ कि मेरी नज़र ना पड़े जाते ही। तो खैर से हम देखते हैं इनको बंद करके कि आखिर वो क्या है। तो यार दो दिन जो दोस्तों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके पीछे वजहत ये थी कि माशाल्लाह से रबीउल का जो है वो बाबरकत महीना लग चुका है, तो खैर से आज तो 5 या 6 रबीउल है, तो उसके सिलसिले में दोस्तों हम जो है वो रोड से जाते हैं अपना माशाल्लाह से, तो उस सिलसिले में हम थोड़ा काम में लगे हुए थे ना, तो हमारी रात जो है वो काफ़ी लेट हो रही थी, नेट नाइट हम, क्योंकि 5 बज रहे थे तो 6 बजे 7 बजे नींद आ रही थी, फिर मैं कहीं जाके उठ रहा था, तो इस वजह से ना तबीयत भी मेरी डिस्टर्ब हो गई थी, तो सिर्फ उस वजह से व्लॉग नहीं बना पाया। ऐसे अब जो है वो डेली बेसिस पाएंगे इंशाल्लाह। भाई खा लो यार जल्दी जल्दी। तो यार इन्होंने खा लिया, अब इनको मैं बंद करता हूँ, और फिर मैं सरप्राइज़ देखें यार आखिर क्या चीज़ है, मैंने अभी तक नहीं देखा, देखें अभी तक वैसे ही ढका हुआ, मैंने अभी तक नहीं हटाया। तो यार अब जो है ना दोस्तों देखते हैं हम कि भाई जो हैं वो क्या लेकर आएँ, और जिसकी भी हमारे पास आया है ये गैस रहने के लिए, अब कब तक रहता है ये भी कुछ नहीं पता, वो बोल लेते कि पता नहीं, हो सकता हफ्ता, हो सकता 2 हफ्ता, या हो सकता 3 हफ्ते। यार तुम अंदर चली गई, मैंने इसको खोला था दोस्तों कि जो भी चीज़ें देखूं पहले, मुझे तो आवाज़ वैसे आ रही है, मुझे मुर्गा लग रहा था, तो मैंने बोला इसी के साथ खोल देंगे, तो खैर से मैं देखता हूँ पहले कि वो कैसा है। ओए होए क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत हसीन यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त, तुम लोग खुद देखो यार, पहले मैं ये हटा दूँ इसका, और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इसको भाई, या बाहर निकाल के दिखाता हूँ यार, पिंजरे में ना मज़ा नहीं दे रहा ये, मैं वैसे दिखाऊँ, चलो पिंजरे में भी तुम लोग देख लो यार, ये देखो भाई माशाल्लाह यार, हैवी और कितना बड़ा है यार, कितना प्यारा है, इसको बाहर निकालता हूँ आप तो ले भाई, ये आ गया बाहर। ओए होए 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 यार, पेपर वाइट है दोस्तों, पेपर वाइट, कितना सफ़ेद है, गंदा भी नहीं है ज़रा सा भी, माशाल्लाह यार ये देखो, ये देखो यार कैसा खूबसूरत है वाइट कलर का, और ये दोस्तों बोस का भी नहीं है, ओरिजिनल पेपर वाइट है यार, इसका एक पर भी वैसा नहीं है, मतलब बोले ना कि थोड़ा बहुत पिलाट आ रही हो, फुल वाइट है, बहुत खूबसूरत यार, इसकी आँख देखें माशाल्लाह से, रिंग दोस्तों ब्लू आइज में है, और पूरे पंजे भी वाइट हैं यार, बेहतरीन यार। यार मैं भाई को बोलूँगा कि जिसका भी है ना ये हम रख लेते हैं, अगर वो दे दे तो। यार मुर्गी को है मैंने बाहर निकाल दिया दोस्तों, और इसको भी छोड़ दिया, पर यार ये डर बहुत नहीं है। मोहतरमा मोहतरमा वहाँ जाओ ना यार, इसका मैं गेट बंद कर दूँ,
बहुत ज्यादा डर रही है यार उससे। खैर से अभी नया नया आया ना, इसलिए थोड़ा बहुत डर रही है। और मुर्गा जो है उसने भी हमारे अभी तक कुछ करा नहीं है, मतलब गया हो करीब या कुछ भी, लेकिन वो भाई दूसरों से लड़ने में लग गई है और ये भाई साहब भी दूसरों से लड़ने में लगे हैं। बट यार माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे सुल्तान से थोड़ा सा निकलता हुआ है, थोड़ा सा मुझे इतना लग रहा है। बाकी अभी चेक करूंगा मैं सुल्तान के सामने खड़ा करके कि कितना बड़ा है। तो दोस्तों इसको जो है मैंने उठा लिया है और अब देखें इसको आप लोग माशाल्लाह से, ये देखें पंजे भाई पेपर वाइट है यार। और कैमरे के पीछे जो अभी अत्थर भाई खड़े हैं, मैंने इन्हें बुलाया था तो मैंने इनको ये बोला यार कि इसको हम रख लेते हैं, पर ये मान ही नहीं रहे, बोल रहे किसी और का है। इसको क्यों नहीं रख रहे आप यार? ये किसी का दोस्त का है, उसने शौक के लिए लिया है, तो मैंने तो अंडे बच्चे कराने के लिए मादी के साथ के लिए लिया है ये। तो भाई ये इसलिए लेकर आए थे, बोल रहे थे कि अगर क्रॉसिंग हो गई तो अंडे बच्चे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और दोस्त को मैंने इनको बोला इसके साथ जो मादी लगा रहे हैं वो भी दिखाओ। वो तो अभी तो मैंने ये छोड़ी थी, यही मादी लगानी है इसके, है ना? लेकिन भाई जो है ना वो यही बोल रहे हैं कि वो दोस्त का है और वो दे नहीं रहा है, मतलब उसको उन्होंने शायद पैसे भी लगाए थे। हाँ पैसे भी लगाए मगर वो दे नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं है, मैं अपने लिए रखने के लिए लाया हूँ, शौकीन हूँ। खैर दोस्तों उसकी चीजें भाई, लेकिन यार ये चीजें बहुत कम मिलती है भाई। ये देखो ना इसका एक पर भी, ये देखो एक पर इसका यार खराब नहीं है, इसका खराब नहीं है। और इसकी आँख देखो माशाल्लाह। आप सुल्तान से भाई ये बड़ा है, मैं ये इसलिए लाया था। ये देखे सुल्तान से माशाल्लाह अच्छा खासा हाइट में बड़ा ही है। ये तो मार रहा है ये तो, वो भाई आराम से भाई सुल्तान पागल है। सुल्तान भाई हमारा पागल है वैसे पूरा इस मामले में लड़ने के। और इसको जो है ना मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऊपर का पिंजरा जो है वो बिल्कुल साफ है और भाई इसका कद माशाल्लाह काफी बड़ा है। ये देखें वो अंदर नहीं जा पा रहा है आराम से। तो यार आप लोग कमेंट में बताएगा कैसा मुर्गा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भाई हमें दे दे, पर नहीं दिया तो भाई जबरदस्ती नहीं ले सकते। बाकी मुर्गा बहुत जबरदस्त चीज है यार। बाकी दोस्तों यार एक चीज और दिखाऊं, हमने जो है ना वो अपने इन दोनों बच्चों को जो है एक साथ कर दिया है यार, और ना ही ये भाई लड़ रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे, और ना एक दूसरे को मतलब बोलते हैं ना कि कोई नुकसान पहुंचा दे अल्लाह ना करे। नहीं भाई ये देखें, ये हमारा गिरे वाला बच्चा ठीक है, और ये वाला हमारा ओ भाई ये ब्लैक वाला बच्चा, दोनों बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे। क्योंकि दोस्तों पहले भी भाई आए थे, ये इन लोगों ने ना भाई वगैरह ने बोला अलग कर दो अलग कर दो, आराम से उधर रहेंगे। मैंने कहा नहीं यार इनको अब साथ ही रखो ताकि वो लड़ें तो नहीं, और मैं जल्द कोशिश कर रहा हूँ यार इन सबको एक साथ खोलेंगे इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर। और वो दिन आप लोग बताएं यार हम कब खोलें, अभी इन्हीं दिनों में खोलेंगे किसी दिन, आप कमेंट में बताएं, ताकि हम सारों को एक साथ खोलेंगे सिवाय इन बड़ों के। इन बड़ों बड़ों को नहीं खोलूंगा भाई मैं, और ख़ासतौर पर सुल्तान, सुल्तान को तो कैद में रखा हुआ है भाई, साफ बात सुल्तान को नहीं खोलूंगा। अगर सुल्तान अगर मुझे पिटते हुए देखना है ना आप लोगों ने, तो सुल्तान को खुलवा दीजिएगा। खैर से दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा भाई हमारा है नया मेहमान? और अंदर से तो भाई इसकी हाइट देखें आप माशाल्लाह, ये देखें कहाँ नज़र आ रहा है ये, मैं यहाँ से मार रहा हूँ तो इतना ऊपर देखना पड़ रहा है इसको, ये देखें अंदर। ओहो माशाल्लाह यार मुझे ये बहुत प्यारा लगा, क्योंकि इसका जो कलर है ना बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है, और पेपर वाइट है यार, ज़रा भी गंदा नहीं है, मैला नहीं हो रहा है ये। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये लाजमी कमेंट में बताना, और इसका नाम यार रख देना जो भी समझ आए, क्योंकि अपना तो है नहीं यार, जाएगा तो क्या कर सकते हैं। तो खैर से दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय। और बाकी एक चीज़ मैं तुम लोगों को और बताता चलूँ भाई, मैं बहुत जल्द एक सरप्राइज़ यहाँ पर तुम लोगों को दिखाऊँगा, साथ ही करेंगे वो जो काम है ना, तो उसके लिए बंदे रहो साथ और सब्सक्राइब कर लो लाजमी घर में शौक को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यार मुझे बनानी थी और मैं बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से कर लो।